मैं एमपी सिंह, डायरेक्टर ऑफ निम्फ अकेडमी। एक्चुअली सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा पेरेंट्स का बच्चों के, जिन्होंने हम पे ये विश्वास जताया और उन्होंने हम पे ये विश्वास करके बच्चों को सिर्फ क्लासरूम तक सीमित रखा, और वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये जो सारा रिजल्ट है ये बच्चों के क्लासरूम का रिजल्ट है, इनमें से किसी भी स्टूडेंट ने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करा है। और यहाँ पर बच्चों ने संडेज को बुलाने के लिए, अगर बच्चों ने अपने संडे हैं, अपने ऑफ डेज जितने भी होते हैं, उन सब चीज़ों को दरकिनार कर दिया, बस टीचर्स के ऊपर पूरा ट्रस्ट रखते हुए उन्होंने काम किया। और रिजल्ट तो देखो, सिर्फ और सिर्फ अच्छी मेहनत, एक कड़ी मेहनत और पूरी ईमानदारी के साथ जो भी व्यक्ति कार्य करेगा तो उसको रिजल्ट मिलेगा। और इन बच्चों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने टीचर्स को पूरी तरह से विश्वास दिखाया, ओबे किया और उस रास्ते पे चलते चलते, मैं आपको एक सबसे अच्छी बात ये बताता हूँ कि इन्होंने लास्ट मोमेंट तक, एग्जाम जिस दिन स्टार्ट होना था तब तक स्कूल में पूरी अटेंडेंस दी है इन बच्चों ने, और ये उसी का नतीजा है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि बच्चे घर पर ही बोल देते हैं, पापा सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब क्या करूँगा जाके। और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही तो टीचर्स अपने मूल मंत्र बताना शुरू करता है, जो रिविजन जिसे कहते हैं वो उसके बाद होते हैं, और उसमें तरह तरह के उतार चढ़ाव जब आते हैं तो टीचर्स उनका पूरा सहयोग करते हैं। और मैं मीडिया को भी हमेशा बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमारी मेहनत को औरों तक पहुंचाया, हमारे रिजल्ट को, हमारे बच्चों के रिजल्ट्स को पूरी मजबूती से पूरी सोसाइटी के सामने रखा। अपने टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा, जिन्होंने बच्चों का बिफोर एंड आफ्टर स्कूल भी ध्यान रखा। रात में 10-10 बजे अगर किसी बच्चे को किसी समय प्रॉब्लम आ रहा है तो टीचर्स को वो फोन करते हैं, तो टीचर्स उनको उसी टाइम पे सॉल्व करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। तो टीचर्स ने पूरा बच्चों को फोकस करना है, या ये मान लो फॉलोअप्स करना, सिर्फ पढ़ाने से रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक पूरा 100% फॉलोअप्स नहीं होगा तब तक लास्ट वाला जो बच्चा है, आप ये देखिए 100% रिजल्ट आना। एक तो टॉपर का रिजल्ट बार बार हम लोग रखते हैं सामने, उनके इंटरव्यूज हो रहे हैं, परंतु लास्ट में कुछ बच्चे हर क्लास में ऐसे भी होते हैं जो शायद थोड़ा लापरवाही कर जाते हैं, उनके ऊपर भी टीचर्स ने अपना पूरा फोकस बना के रखा, पूरा एक घेरा बना के रखा, उनको पढ़ाया, 1-to-1 पढ़ाया उनको लास्ट में, तब जाके ये 100% रिजल्ट मिलता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये आपके चैनल के माध्यम से कि अपने स्कूल का रिजल्ट पिछले सभी सालों से 12th का और 10th का हमेशा 100% रहता है। वेरी मच, थैंक यू।